गई। ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है भाई साहब, क्या तगड़ा है यहाँ पे। मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, ये जो आपको सामने धारी देवी माँ का मंदिर दिख रहा है, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग, मेरा गला बैठ गया पता, क्यों ठंडे पानी भी नहीं, खराश हो रही गले में। मेरे भी थोड़ा दिख रहा हूँ आवाज, मौसम हो गया, ट्रैक बहुत हमारा गया है ना थोड़ा सा, गले में अजीब सा हो रहा पता नहीं, ठंड भी भयंकर दे रहा हूँ। रात चाय पीते उसके बाद बाहर निकलते हैं। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग, चाय और मिल जाएगी। हाँ थोड़ी सी पियो, ठंडी हो गई जब तक मैंने पी हो। बढ़िया वाली धूप पड़ रही है आज भैंस की टांग। निकलने की तैयारी हो गई है, ये बैग पैकेट्स है, ये सॉल भी उठा दे। यहाँ से तो हम लोग निकल गए, लेकिन अभी बाइक लेने जाना है चोपता में वापस, और उसके बाद फिर मकुमट वाले रास्ते से निकलेंगे, उसके बाद मकुमट वाले रास्ते से निकलेंगे। और इसके साथ ट्रैकिंग करनी होती कल तो इन बैग्स के साथ निपट जाते हम लोग, 2 किलोमीटर भी नहीं होती भाई। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, थैंक यू। खाना भी बहुत अच्छा था, रहने के लिए बहुत अच्छा था। अगर आप लोगों को आना है तो भाई कुटुम कुटीर होम स्टे नाम से यहाँ पे आप लोग मस्ट विजिट कर सकते हो। आना बॉडी पॉइंट आना, ठीक है, मिलते हैं। नया दिन नया सफर, वही पुराने लोग, वही पुराने लोग, नए लोग को बिठाना पड़ेगा। यहाँ से बस के आना पड़ेगा, अभी धूप की वजह से थोड़ा सा पिघल भी गई बर्फ, इसलिए थोड़ा ठीक ही लग रहा है। अभी आगे हम लोग वापस वही 24 घंटे में दूसरी बार चुपता गए, थोड़े कोल्ड स्टार रखते हैं इसको। जय श्री राम, निकल जाए यहाँ से, यहाँ से निकल गए हम लोग। कल से थोड़ा कम हो गई बर्फ क्योंकि धूप पड़ रही है ना उस चक्कर में। व्यू भाई, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत थी कल, अभी इतना तो नहीं है, कल बहुत ज़्यादा था यहाँ पे ब्लैक आइस। कल तो भयंकर ही था यहाँ पे भी, ओ भाई साहब के कांच बनी हुई है पूरी, ओ गई गई गई। रुको 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 रुको, गाड़ी बंद कर दी, रुको, उठाओ उठाओ, रुको 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 रुको। अबे यार सुखो, ज़्यादा स्पीड से नहीं गिरे, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वो है ना ब्लैक आई से, रुको रुको, वो घूम रही है गाड़ी, घूम रही है घूम रही है घूम रही घूम रही है, रुको रुको, चलो मैं तुझे दोबारा, चलो आराम से। अबे यार इसी का डर था भयंकर की। अबे यार मैंने गिरीश भाई को बोला था मैंने कूदने के लिए तैयार रहना। वहीं पे था, बस वहीं पे था, वहीं पे था, आप सही है, आप सही है, अब चल सकते हैं हम लोग, बस बस वैसे ये ज़्यादा उखी मठ किले, ये ज़्यादा मक्कू मठ किले, हम लोग मक्कू मठ से निकलेंगे अभी। ये रास्ता खुला है भाई जी, चलो बढ़िया, रास्ता खुला है कि यहाँ से हम लोग को दूर पड़ेगा, यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट रास्ता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो तुंगनाथ, जिस टाइम तुंगनाथ के कपाट बंद रहते हैं ना, उस टाइम मक्कूमठ में ही जो तुंगनाथ की जो डोली होती है, मूर्ति वगैरह होती है, वो मक्कूमठ में स्थापित की जाती है जब तक कि तुंगनाथ के कपाट बंद है। जैसे कपाट खुल जाते हैं फिर मक्कूमठ से फिर दोबारा वो तुंगनाथ में उस मूर्ति को रख देते हैं। बहुत पतली सी रोड है ये मक्कूमठ वाली, वादियाँ देख रहे हो, प्यारा लग रहा है ना, ये पूरा जंगल जंगल पूरा भाई साहब सामने, बहुत मस्त लग रहा है, बहुत लेके बढ़ जी घास भाई साहब, क्या तगड़ा है यहाँ पे भैंस की टांग।
पूरा ही नीचे टूट रखा है। ओ भाई इस साइड पूरी खाई है भाई। अगर आप लोग मक्कूमट वाले रास्ते से आ रहे हो ना तो थोड़ा सा आराम से आइए क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस है जरा रास्ता। ये देखो जरा कितना प्यारा लग रहा है ना। बस पहुंच गए हम लोग मेन रोड पे। अब यहाँ से तो मक्खन है भाई रोड। ओहो अरे रोड वाले ऐसे चलते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त्य मुनि में। यहाँ पे भी रोड थोड़ा सा वैसे हो रखी है। कोई नहीं, नीचे अलकनंदा बह रही है पूरी। आपको जो ये रिवर दिख रही है ना ये अलकनंदा है, याद है आपकी बद्रीनाथ से, बद्रीनाथ धाम। मजा आ गया ना यार बढ़िया मक्खन रोड थी भाई साहब। 110 तो बढ़िया खिचड़ी थी। यहाँ पे रुक रहे हैं तो यहाँ पे देखते हैं यार चाय वगैरह पीते हैं भाई। चाय हो जाएगी ना भाई? थोड़ा सा मैंने मुंह धुला भी, आंखों में पूरी दूरी दूर घुस गई थी। मैंने वाइजर बंद नहीं कर रखा था ना हेलमेट का, उस चक्कर में बहुत बुरा हाल हो गया। ओहो तो यहाँ पे रुके हम लोग। कुछ खाना पीना भी है? चाय चाहिए बस। तो यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे उसके बाद चाय चाय। थोड़ा सा फ्रेश भी हो जाते हैं। बाल मेरे से हो गए ना हेलमेट पहन के। अरे मुंह धुल रहे हो ना थोड़ा, मुंह धुल रहे थोड़ा। उधर प्रयाग में एक जगह है तिलवाड़ा, यहाँ पे रेस्टोरेंट में रुके हैं हम लोग, चाय वगैरह पियेंगे। आ गई यार, इन्होंने कम दे रखी कम दे रही सही। बढ़िया बना रखी है। मैंने ख़त्म कर ली और एक और भी मंगा दी चाय वगैरह हो गई हमारी। अब निकलते हैं हम लोग यहाँ से। तो निकल गया मैं लेकिन GoPro में बैटरी नहीं ले रखी, 5% है। थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा। यहाँ ऊपर से लैंडस्लाइड हो रही है, सारी गाड़ियों को रोक रखा है पीछे से, पूरा पीछे तक पूरा जाम लगा हुआ है। धारी देवी में पहुंच गया हूं, बाइक मैंने साइड लगा दी है। और ये रहा धारी देवी का मंदिर नीचे, अभी नीचे जाएंगे हम लोग। अभी राहुल लोग आ रहे हैं, अभी आए नहीं। भाई साहब मेरी GoPro की बैटरी खत्म हो गई थी बीच में। राहुल लोग भी पहुँच गए यहाँ पे, हालत बिगड़। अरे मेरे GoPro डिस्चार्ज हो गया यार पूरा। तो यार ये है प्रवेश द्वार धारी देवी माँ का। जय हो धारी देवी। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने घर से लेके आते हैं प्रसाद वगैरह माता को चढ़ाने के लिए है? हम लोग लेके नहीं आए थे तो हम लोगों ने यहाँ से लिया है। हाँ लोग ऐसे घर से लेके आते हैं, जैसे चावल वगैरह आपका, नारियल वगैरह, पूरी छोले वगैरह बना के लेके आते हैं, रोट वगैरह बना के लेके आते हैं घर से ना। हम लोग तो अभी ऐसे चले ही रहे हैं तो उस चक्कर में हमको यहाँ पे रहने पड़े। ये तो वैसे आप लोग घर से भी बना के लेके आ सकते हो। एक छोटा सा भैरवदेव का मंदिर है। जय हो भैरवदेव। और टाइम पे तो भाई सब बहुत क्राउड रहता है, काफी क्राउड है। हम लेट, हाँ एक ये भी है कि हम लोग लेट आ रहे हैं इस चक्कर में भी। बस मैं आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ। ये जो आपको सामने धारी देवी माँ का मंदिर दिख रहा है, एक्चुअली ये मंदिर पहले नहीं था, पहले छोटा सा मंदिर था, उस टाइम नीचे था मंदिर और इतना पानी भी नहीं था जितना आपको दिख रहा है ना, इतना पानी नहीं था, कम ही पानी था। बट जब पानी बढ़ा तो फिर माता के मंदिर को ऊपर उठाया गया है, और जहाँ से ऊपर उठाया गया है ना उस मूर्ति को भी दूसरी जगह स्थापित किया है। तो दूसरी जगह जिस दिन स्थापित किया उसी दिन केदारनाथ आपदा भी आई थी, तो माना जाता है इसका कुछ है कनेक्शन केदारनाथ आपदा का और मूर्ति को ऊपर उठाने का। तो तब तक ये मूर्ति जब ऊपर उठाई ना, यहाँ पर रखी गई थी ये मूर्ति, इस वाले छोटे से आपको भवन जो दिख रहा है। कुछ दिन पहले 28 जनवरी 2023 को ये यहाँ से मूर्ति उठा के फिर दोबारा से वहीं पर स्थापित कर दी गई है मूर्ति, जहाँ पर मतलब माता का पुराना स्थान हुआ करता था। और एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो माता की मूर्ति रखी गई है ना उसका ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे वो खुला है पूरा। तो माना जाता है कि माता कहती हैं कि मतलब मेरे ऊपर छत नहीं चाहिए, अगर आप छत बनाते भी हैं ना तो वो छत अगले दिन टूटी हुई मिलती है। तो ये माता की कृपा क्या है, हम लोग तो माता की कृपा ही बोलेंगे। बाकी
इस तरीके का कुछ इतिहास रहा है। और इतिहास तो खैर बहुत लंबा चौड़ा है दादी देवी माँ का, अगर आप पढ़ने बैठे तो भाई ये मतलब मेरी वीडियो भी कम पड़ जाएगी, बट शॉर्ट सी चीज़ों में आप लोगों को बता दिया कि मतलब क्या चीज़ें ये थी। खैर यहाँ पे जूते उतारते हैं अपने, उसके बाद जाएंगे मंदिर में। जय हो माता रानी, जय हो माता रानी। इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो, पढ़ सकते हो। माता के दर्शन करके आ गए हम लोग। हम लोग यहाँ पुल में जा रहे हैं ऊपर। नदी नहीं होती टैकिंग ऐसे सामान वगैरह ले आने के लिए कही होंगे ना। चीज मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये है टिहरी इस तरफ और उस तरफ है पौड़ी आपका। ये कीर्ति नगर रेंज है ना ये क्या? हाँ यार दर्शन वगैरह करके हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। अभी हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं है, ऊपर में जाके कुछ खाएंगे अभी। सुकून मिला कि नहीं मिला माता का दर्शन करके? सुकून मिला ना, प्यार मिला। पहले इस तरीके का था मंदिर और अब इस तरीके का बना दिया, देख रहे हो कितना डिफरेंस है। फिर थोड़ा सा यहाँ पे चाय वगैरह पी रहे हैं, चाय और चाउमीन। चाय चाउमीन जैसे नहीं लग रहा जैसे पैक करवा के लेके आए होंगे। चाय और चाउमीन खाने के बाद यहाँ से निकल गए हम लोग। फ्लाइट चल गई है मंदिर में। प्यारा 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 बहुत प्यारा लग रहा है भाई। कुछ लिया था गाड़ी के लिए? नहीं, अंदर से मारो। आगे लगा दे। आगे लगा, आगे। यहाँ पे ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अब सीधे घर में रुकेंगे। यहाँ से सीधे घर निकल रहे हैं, घर जा रहे हैं। सीधे घर निकलते हैं।